उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल हुए 218 दरोगा मुरादाबाद के डॉक्टर भीमराव पुलिस अकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सुजान वीर सिंह ने पहुंचकर सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव पुलिस अकेडमी के निदेशक राजीव कृष्ण ने सभी को शपथ दिलाई और ये आशा जताई कि आप देश और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का गुरुकुल कही जाने वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आज 218 उपनिरीक्षक कैडेट के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक प्रशिक्षण सुजान वीर सिंह ने दीक्षांत परेड की मार्च पास्ट सलामी ली और शपथ ग्रहण कराई। साथ ही प्रतिभाशाली कैडेट को पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें अंकित यादव को सर्वांग सर्वोत्तम और प्रशांत कुमार सिंह को सर्वोत्तम इंडोर प्रशिक्षु का पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं डीजी ट्रेनिंग सुजानवीर सिंह ने प्रशिक्षुओं का उत्साहवर्धन और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप विश्व के सबसे बड़े व जिम्मेदार पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उपनिरीक्षक का पद महत्वपूर्ण होता है, कंधे पर कुशल गुणवत्तापूर्ण विवेचना की जिम्मेदारी ही नहीं होती बल्कि वीआईपी व समाज की सुरक्षा का भी भार होता है। आपको समाज के अंतिम व्यक्ति को भयमुक्त वातावरण देना होगा, तब कंधे पर स्टार व वर्दी की सार्थकता सिद्ध होगी। सर्वप्रथम मैं वर्ष 2020 बैच के सभी उत्तीर्ण 218 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्रशिक्षुगण को एक वर्ष के आधारभूत प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आज से आप विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल में जिम्मेदार सदस्य के रूप में सम्मिलित होने जा रहे हैं। किसी भी पद का महत्व विभाग द्वारा दिए गए दायित्वों और उनके सफल अनुपालन पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से पुलिस विभाग में पुलिस उपनिरीक्षक का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। फील्ड में कार्य करने के दौरान आपको न केवल कानून व्यवस्था का अनुरक्षण करना होगा
बल्कि कुशल एवं प्रभावी विवेचना भी करनी होगी ताकि अधिक से अधिक अपराधियों का सफलतापूर्वक अभियोजन किया जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न अवसरों पर अति विशिष्ट महानुभावों की निर्विघ्न सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने में तथा सार्वजनिक आयोजनों के दौरान जनमानस और समाज की सुरक्षा व्यवस्था करने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। समाज में महिलाओं और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों में मित्र पुलिस की छवि बनाने के रखने के लिए आपको अपना शत प्रतिशत योगदान देना होगा। आपसे यह भी अपेक्षा है कि आप कठोरता और विनम्रता का अद्भुत समन्वय करते हुए अनुशासन, कर्तव्य परायणता और सत्यनिष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति को भयमुक्त वातावरण देने के लिए आप संकल्पित होंगे और इन सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए विषम परिस्थितियों में भी आप अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होंगे। निश्चित रूप से यह एक कठिन लक्ष्य है, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशिक्षण के दौरान अर्जित किया गया ज्ञान आपको भविष्य में अपने कार्य क्षेत्र में इस प्रकार की परिस्थितियों में कार्य करने के लिए लाभदायक साबित होगा। इस आधारभूत प्रशिक्षण का यही उद्देश्य है कि आपको भविष्य में आने वाली लगभग सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। वहीं अकादमी के निदेशक राजीव कृष्ण ने बताया कि 30 दिसंबर 2019 को मृतक आश्रित कोटे के इन जवानों का प्रशिक्षण शुरू हुआ था। इन सबको प्रशिक्षण के दौरान कानून, चिकित्सा शास्त्र, साइबर क्राइम, कंप्यूटर साइंस में दक्ष बनाया गया है। ये सब इंस्पेक्टर्स का 2020 का बैच आज पास आउट हुआ है और उत्तर प्रदेश में आज की पासिंग आउट के बाद 218 सब इंस्पेक्टर्स शामिल हुए हैं। ये सभी पुलिस परिवार के अंग हैं क्योंकि ये मृतक आश्रित वाले निर्धारित कोटे से यहाँ पर आए थे। उनकी एक साल की पूरी ट्रेनिंग के बाद में ये आज शामिल हुए हैं। सामान्य ट्रेनिंग जिसमें डिफरेंट इंडोर सब्जेक्ट्स और आउटडोर सब्जेक्ट शामिल हैं, उनके अलावा क्योंकि पूरे साल ही इनकी ट्रेनिंग के दौरान कोरोना महामारी का प्रकोप रहा, तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, इनको एज पुलिस ऑफिसर्स जो आगे इम्प्लीमेंट कराने हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई और उन सभी में ये प्रवीण हैं। हम सभी पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण महोदय के बहुत आभारी हैं कि आपकी गौरवमयी उपस्थिति से इन सभी प्रशिक्षु उपनिदेशक ग्रह के उत्साह और मनोबल में वृद्धि हुई है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण महोदय द्वारा दिए गए आशीर्वचन भविष्य में आपकी कार्यप्रणाली में आपको मार्गदर्शित करते रहेंगे। वहीं पास आउट सभी कैडेट का कहना था कि वे अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पालन करते हुए भयमुक्त वातावरण और हर कमजोर को न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर्वप्रथम आज मैं सभी अपने प्रशिक्षु भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कदम से कदम साथ मिलाकर हम सभी लोगों का सहयोग प्रदान किया। आज प्रशिक्षण काल में एक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात हमारे सभी प्रशिक्षु भाई एवं मैं तहे दिल से बहुत प्रसन्नता का भारी हूँ कि आज हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे उच्चतम प्रशिक्षु साहिबान द्वारा, प्रशिक्षु अध्यापक द्वारा हम लोगों को बहुत अच्छी से प्रशिक्षा प्रदान की गई। प्रशिक्षा प्रदान करने के बाद हम लोगों ने इस एकेडमी की गरिमा को बनाए रखते हुए सारी जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए आज जिम्मेदारी उठाने के लिए आज बाहर जाने के लिए तत्पर हैं। सर, ये हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण है और मैं आशा करता हूँ कि मैं भविष्य में गरीबों के लिए और जो असहाय है, वंचित सदस्य, वंचित वर्ग है, जो पीड़ित है, उसके लिए मैं कुछ विशेष कर सकूंगा, कुछ अच्छा कर सकूंगा। सर, इसके लिए तो मुझे बहुत खुशी, मैं दिल से अपने एकेडमी का सबका आभार व्यक्त करता हूं। जिस हिसाब से हमारे इंडोर और आउटडोर की क्लासेस चली, हम लोग को इतना बढ़िया ज्ञान दिया गया, उसके लिए मैं अपने सभी अध्यापकों को सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे एकेडमी के एडी सर जिन्होंने हम लोग को कोरोना काल में भी इतना बढ़िया से मतलब परीक्षण दिया हम लोग को, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी चुनौती है, आप इसमें किसी जिले में जाएंगे, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? अब हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि न्यू पुलिसिंग जो हो, न्यू पुलिसिंग हम अपने हिसाब से करें और अच्छे से अच्छा रहेगा कि मतलब ज़्यादातर हम अपने एरिया में जितने भी क्राइम हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश रहेगी हम लोग की। बिल्कुल उतरने के लिए फील्ड के लिए तैयार हूँ सर मैं। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? आपकी बिल्कुल निरपक्ष और
बुद्ध से धर्म से काम करूंगा सर, जाके फील्ड में जाके। कैसी ट्रेनिंग देंगे, कैसा? बहुत अच्छा सर, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर जो है IPPC से ट्रेनिंग देता, जो हमारा सौभाग्य था इसमें हमें जो अपने इच्छक को ट्रेनिंग इसमें देने के लिए हमें इसमें मिला सर, हिस्सा मिला। परेड का संचालन वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री हरीश चंद्र द्वारा किया गया। विभिन्न विषयों में टॉपर प्रशिक्षुओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सर्वांग सर्वोत्तम श्री अंकित यादव को मुख्य अतिथि द्वारा स्वॉर्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज की इस दीक्षांत परेड में पुलिस महानिदेशक PTC श्री व्रजराज मीना, पुलिस महानिरीक्षक श्री शिवशंकर सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीमती पूनम श्रीवास्तव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रभाकर चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक श्री मोनिक चड्ढा, विधि संकाय अध्यक्ष श्रीमती रूबी यादव, पुलिस उपाधीक्षक श्री जटाशंकर राव, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री AP शर्मा, श्री राम समुज, मोहम्मद अरशद, श्री शमशाद हसन, श्री राजकुमार सिंह, AK श्रीवास्तव एवं RI मोहम्मद कासिम, श्री महिपाल सिंह एवं संस्था के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित थे।